नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हथेली में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सीखने योग्य हैं और बहुत कम लोगों को इन सब के बारे में पता है। सबसे पहले, बहुत सारे लोगों ने जब आपका हाथ देखा तो जो बातें उन्होंने कही है वो बिल्कुल सत्य है कि आपके जीवन में बहुत पैसा है, बहुत समृद्धि और तरक्की है और आप बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग इंसान भी हैं, लेकिन आपके प्रश्न और जीवन शैली ने बिल्कुल इसका विपरीत जो परिणाम है वो दिया है। जैसे कि बहुत मेहनत के बाद भी किसी तरीके का रिवॉर्ड, क्रेडिटेबिलिटी, सक्सेस, इनफ गेन्स, ये सब नहीं हो पाना, मनोवांछित फल नहीं मिल पाना, तो उन सब के पीछे कारण जो है आपके हथेली में वो है राहु की सबसे बड़ी बाधित रेखा। ये रेखा आमतौर पर बहुत सारे लोगों के हाथ में होती है, लेकिन ये रेखा जब आपकी जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, इन तीनों चीजों को अफेक्ट कर जाए तो हमेशा एक जीवन में उलझन और मकड़ी का जाला किस्म की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसमें किसी भी तरीके का पराक्रम, मेहनत, संघर्ष भी या प्रयत्न भी क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन किसी तरीके का मार्ग या सफलता अथवा मनोवांछित फल नहीं मिलता। जीवन रेखा में बाधा रेखा आने के कारण यह जीवन में आगे बढ़ने, अपनी जीवन ऊर्जा को सही जगह उपयोग करने में, केंद्रित होने में तकलीफ देती है। भाग्य रेखा में जब बाधित रेखा आती है तो जितना भी मेहनत, कर्म, संघर्ष किया जाए उसका पूर्ण रूप से परिणाम नहीं होता, नहीं मिलता, या एक तरीके से भाग्य रुका हुआ देखने को मिलता है। और जब मस्तिष्क रेखा में ये छुए तो मानसिक अशांति, पीड़ा का कारण बनता है। वैसे इसका उपाय बहुत ज्यादा सरल है और यह बेसिकली आपके पितृ पूर्वजों के द्वारा तकलीफ को दर्शा रहा है। पितृ पूर्वज का जब ध्यान नहीं किया जाता है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नाखुश होते हैं या एक अदृश्य शक्ति की कृपा जब हमें नहीं मिलती है तो इस तरह की ये रेखाएं आमतौर पर आती है और फिर चली भी जाती है। जब वो खुश हो जाते हैं या फिर जो हमारा कर्म है, प्रारब्ध है, या उनके लिए जो दायित्व है वो जब पूरा हो जाए, इसे बाधित रेखा कहते हैं। राहु रेखा संघर्ष रेखा कहने के पहले, क्योंकि यह रेखा हर चीज में बाधाएं क्रिएट करती है। लेट लतीफी होना, रुक रुक करके काम होना, मनोवांछित फल मिलने में अत्यंत मेहनत प्रयास करना, जिन लोगों को कुछ ही कर्म में लाभ मिल रहा है आपको वही कर्म करने में तीन चार बार एफर्ट्स बार बार डालना पड़ रहा है, इस तरह से ये बाधा को क्रिएट करती है। इसका सर्वाधिक जो परिणाम है वो आपको 28 से लेकर के तकरीबन 35 की उम्र का दिखाई दे रहा है, यानी ये 7 साल का पीरियड है। जरूरी नहीं कि ये 7.5 ही हो, लेकिन यह 7 साल के पीरियड में ही इसने पूरा का पूरा आपके लक लाइन को डिस्टर्ब कर रखा है। अब हो ये रहा है कि तकरीबन 35 का उम्र छूते से ही, 34-35 के बीच में आपकी एक रेखा जो भाग्य की है, जो पूरी की पूरी फैल करके भी चली है, फैल करके भाग्य रेखा का चलना मतलब धन कमाना, संघर्ष, मेहनत ज्यादा होना, तो ये रेखा जब रुक रही है तो उसी के उपरांत में एक मून लक लाइन डेवलप होकर के बहुत ज्यादा आगे बढ़ती चली जा रही है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये रेखा ने इसको क्रॉस ओवर किया और ये सीधे मस्तिष्क रेखा के ऊपर तक जा रही है। उसके बाद में राहु की भाग्य रेखा करके शनि को जा रही है। आपका आने वाला जीवन, आगे का जीवन बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा है, तुरंत के तुरंत जितने भी चीजें रुकी हुई है वो सब आपको मिल जाएगी, किसी भी माध्यम से आएगी उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि राहु की भाग्य रेखा जब शनि पर जाती है, अचानक धन लाभ, अचानक उन्नति और रातों रात वास्तव में जीवन बदलता देखने को व्यक्ति का मिलता है। बहुत जल्दी 1 साल में सब कुछ कवर हो जाता है, इतना जल्दी जीवन बदलता है। लेकिन इसके लिए आपको इस बाधा रेखा का जो है उपाय करना जरूरी है। यह आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। इसको पब्लिकली इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि इस बाधा रेखा में बहुत जल्दी नजर दोष, हाय, हवा बाधा जैसी चीजें व्यक्ति को लगती है। इसलिए जब भी सूर्य पे क्रॉस का साइन हो या फिर बाधा रेखा हो तो कभी भी अपने गेन, सक्सेस या फिर अपने डिजायर, एम्बिशंस, आगे की प्लानिंग रिवील करना ही नहीं चाहिए जब तक वो चीज पूरा ना हो जाए। जितना गुप्त रूप से काम करेंगे, जितने एकांतवास में रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना ज्यादा प्रकृति के द्वारा मदद होता हुआ देखने को मिलेगा। इस बाधा रेखा में तकलीफ सबसे बड़ी ये होती है कि करना बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, इसीलिए संघर्ष, मेहनत, प्रयास जो बार बार बताया जा रहा है वो विफल हो जाता है। तो ये बाधा रेखा जैसी हटेगी आपके जीवन में धन भी बढ़ेगा, धना अर्जन, धन संचय जैसे योग भी बढ़ेंगे, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, और फिर चाहे आपके बड़े लोग, आपके साथी लोग सहयोग करें ना करें, आप अपने कर्म से बड़े ऊपर उठ जाएंगे। एक सजेशन आपको ये डेफिनेटली है कि आप अपने वर्क में चेंजेस करने के रिगार्डिंग जो सोच रहे हैं थोड़ा सा उसको शांत कर दीजिए, थोड़ा सा उसको रोक लीजिए, क्योंकि आपको इसी कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल जाएगी, लेकिन ये बाधा रेखा का क्लियरेंस होना जरूरी है। इसका उपाय होने के बाद में अपने क्षेत्र में आपके जो बॉस हैं उससे भी बड़े पद पर आप जाते हुए मात्र 3 साल के अतिरिक्त देखने को मिल जाएंगे। कल दिवाली है
और दिवाली इस बार पड़ रही है रविवार को। रवि जो कारक होते हैं सूर्य के, वो सूर्य के सारे तकलीफ परेशानियों को लेकर के जाते हैं। इस दिन जो भी हम उपाय करते हैं और खासकर दिवाली यानी अमावस्या, इतना महत्वपूर्ण दिन पितृ पूर्वजों का ही पड़ रहा है, तो कल के दिन में दो आपको उपाय दिए जाएंगे यंत्र बनाने को भी लेकर के। ये सब सूर्य पर ही आधारित रहेंगे, ये सब आपका जीवन में भाग्य उदय और भाग्य परिवर्तित करने वाला रहेगा। तो इसीलिए अपने लाइफ में अब आप जो है एक्सट्रीम सक्सेस पाने जाएंगे, तो उसके पहले हल्के फुल्के रुकावट आना, संघर्ष आना, उन सबसे घबराना नहीं है। लेकिन जो बात बताई गई है कि शांत रहना है, किसी भी तरीके का परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ उपाय पर ध्यान देना है, आपका जीवन मिरेकुलस रूप से बदलता हुआ और रिजल्ट देता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब आपके जितने भी प्रश्न हैं सभी ओवरऑल हैंड रीडिंग में हम इसे कवर करेंगे। तो फिलहाल आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लॉन्ग और शॉर्ट नहीं है। ये व्यक्ति के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी देती है, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या परिस्थिति को अपने अनुसार बनाने की योजना ये देता है। जैसे आप एक इंसान होकर 3-4 लोगों का काम कर पा रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इस तरीके की थिकनेस जो फिंगर में होती है और लेंथ होती है, ये परिस्थिति को अपने अनुसार ढलवा देती है। तो आप जैसे इंसानों को ज्यादा किसी के जीवन में जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद में ही सबसे सक्षम इंसान होते हैं। फ्रेंडली टाइप का नेचर होता है, फ्रेंकली टाइप का नेचर होता है, मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण लोगों को जोड़ पाना, आकर्षित कर पाने की योग्यता ही अच्छी देता है। एक जोश, जुनून, हौसला, बुलंदी बहुत अच्छी यह फिंगर लेंथ देता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी इंडिपेंडेंट होती है तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं, करते अंततः अपने मन की हैं। उसके पीछे कारण यह है कि आपका जो लिटिल फिंगर के अलावा माइंड लाइन है वो भी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट है, जिसके कारण यह व्यक्ति को प्योरली इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेटिंग टाइप का नेचर देता है। आप जैसे ज्यादा किसी की सहायता लेना, किसी के अंडर में रहना, दब करके रहने वालों में से नहीं होते, इसलिए कल करे सो आज करे सो पहले ही काम खत्म करके फ्री हो जाते हैं या पहले ही अपने दायित्व को पूरा कर लेते हैं ताकि कोई कहने वाला ना मिले। ये कॉम्बिनेशन जिद्दी बनाता है, अड़िग बनाता है, थोड़ा सा केयरलेस बनाता है, इसलिए किसी भी तरह का रिस्क या लाइफ में कुछ भी चुनौती लेने से पीछे नहीं हटते हैं। एडवेंचरस लवर बनाता है, क्यूरियोसिटी देता है, बचपन से या बहुत कम उम्र से ही मदर फादर से इंडिपेंडेंट बना देता है फाइनेंशियली लेवल पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहा है कि आप जो चाहेंगे मिलेगा। तो दूसरा और भी पॉजिटिव साइन है आपके पाम में जो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपके जीवन में योग्यताएं तो बहुत अच्छी है, भाग्य की थोड़ी कमी आ रही है, कर्ण जैसा जीवन शैली को ये दर्शा रहा है, लेकिन हम इस उपाय के बाद में स्थिति बिल्कुल अच्छी करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोल तक जा रहे हैं, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट को डेवलप अच्छा करता है। एक समय पर एक से ज्यादा काम संभालने की योग्यता, ऑर्गेनाइज वे से काम करने की योग्यता यह देता है। मार्केटिंग नॉलेज इतना अच्छा हो जाता है कि अपने स्किल्स के बिहाफ पे भी पैसा कमाते हुए देखने को मिलते हैं, स्किल्स, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देगा, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी यहाँ अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत होती है। यही फिंगर की सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर को डिवोटेड होती है और सकारात्मक सोच रवैया को बढ़ाती है। जुपिटर पर आड़ी रेखा थोड़ा बहुत फैमिली या मैरिड लाइफ को लेकर के स्ट्रेस वरीज देती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको बहुत मुख्य था कि क्या पार्टनर मेरे मन पसंद के होंगे कि नहीं होंगे, ये जो चिंता है आपकी यही जुपिटर पे आड़ी रेखा लेकर के आ रही है। अब ये आड़ी रेखा जब आती है तो सेटिस्फेक्शन फिर नहीं मिल पाता फैमिली या मैरिड लाइफ में। इसको ठीक रखने के लिए आप इस विषय को परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम आपकी हथेली में देखें तो जुपिटर की जब आड़ी रेखा होती है तो अपनी पसंद से नहीं, अपने माता पिता ईश्वर के पसंद से, भाग्य से मैरिज होता है। इसलिए आप ईश्वर के अधीन जितना रहेंगे आपको निश्चित रूप से संतुष्टि, खुशी, शांति मिलेगा। और अगर हम ओवरऑल बात करें मैरिड लाइफ की तो आपका शुक्र का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है और देखिए एक सपोर्टिव लाइन आकर के पूरी की पूरी जुड़ी है, जो लाइफ टाइम तक जुड़ी है आपके, यानी आपके पार्टनर बहुत केयरिंग, डिवोटेड और स्पिरिचुअल और बेहतरीन सपोर्टिव और लक्की भी आपके लिए रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ जो मून लक लाइन है ये भी इसी बात को डिनोट करती है, सक्सेस आफ्टर मैरिज, सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड यानी जन्म स्थान से कहीं भी दूर, दूसरों के सहयोग साथ के कारण तरक्की होना। तो अभी जैसे आपके बॉस मदद कर रहे हैं, कलीग्स मदद कर रहे हैं, आगे चल करके अननोन पीपल्स भी मदद करेंगे आपके मैरिज के बाद, इतना अच्छा लक यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए आप ये इस तरह की चिंताओं से मुक्त होइए ताकि आपके मैरिड एंड फैमिली लाइफ में पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी आए और बिल्कुल गर्व के साथ आप
जी सकेंगे, चल सकेंगे, कहीं पर भी ये सब ईश्वर के अधीन जितना अगर आप कर दें उतना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, जिसके कारण ये स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देना शुरू करेगा। फैलेंजेस और आपके इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ में फैलेंजेस अच्छा, यानी आउटर बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, लेकिन इनर बॉडी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी वीक होती दिखाई दे रही है। यानी अंदर में चिंता ज्यादा है, जो टॉक्सिन्स बन रहा है, या आप अपने ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने साथ समय बिताइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है शारीरिक क्रियाकलाप ही करें, लेकिन एक जगह धैर्य से बैठ के अगर प्राणायाम भी आप कर लें तो आप अपने मंगल शनि गुरु तीनों को बहुत अच्छा कर सकेंगे। मंगल यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता फोकस, सैटर्न यानी आपका लक, आपका एक तरीके से कंसिस्टेंसी में किया गया वर्क और सेटिस्फेक्शन, और जुपिटर यानी विजडम नॉलेज, इसके अलावा सोसाइटी में स्टेटस प्रसिद्धि, ये सब कुछ आपके जीवन में एकाएक बढ़ सकेगा। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो जब भी थंब इस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए तो इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेते हुए पाए जाते हैं। आपका थंब एक तरीके से ब्रॉड है तो किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना करने से डरते हिचकिचाते घबराते नहीं है। कितना भी वर्कलोड आपको दे दिया जाए, आज 3 लोगों का काम कर रहे हैं, आपको 10 लोगों का दे दिया जाए आप कर दिखा देंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। योग का साइन भी बहुत अच्छा बन रहा है, 100% मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी आपका डेवलप करने वाला है। 35 केस तक आते आते बहुत अच्छा रईसी जीवन में आएगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, खुद का मकान, गाड़ी, आज गाड़ी लेने की आपकी स्थिति नहीं है, ये सब एकाएक आपके जीवन में आएगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा ही राहु से प्रारंभ हो रही है तो वो जीवन में एक साथ सब कुछ देने वाली है आपको। थोड़ा सा बस धैर्य और रखने की जरूरत है। इस तरह के योग के साइन में स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, एक इनलाइटमेंट होता ही है। डेफिनेटली आपको कोई भी मंत्रास का चैंटिंग, पूजा पाठ, ध्यान, ये सब कुछ करना ही चाहिए, डेली मंदिर विजिट करना चाहिए, वहां पर आपके कर्म जुड़े हैं, वहां से आपका लक डेवलप होगा, जनरेट होगा। और जब फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा आती है तो चिंतात्मक स्वभाव हो जाता है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपके जीवन में तकरीबन आपने 85% नेगेटिव इवेंट्स या नेगेटिव टाइम बिता दिया है, अब इतना बुरा समय जीवन में नहीं आने वाला जितना भी आपका रहा है, क्योंकि अब भाग्य रेखा भी बदल रही है और जीवन रेखा पे भी इसके बहुत शुभ परिणाम आ रहे हैं, वो भी अभी बताया जाएगा। सबसे पहले जुपिटर माउंट, ये माउंट आपका डेवलप अच्छा है, आप जहां भी जाते हैं अपना नाम निश्चित रूप से लोगों की जबान पर डाल देते हैं। आपका कर्म, आपकी योग्यता, आपका ज्ञान आपको मशहूर बनाने वाला है। इस तरीके का गुरु बड़ा पद व सम्मान देने योग्य व्यक्ति को बनाता है, और जितनी भी आड़ी रेखा इधर मौजूद हो रही है ये व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु बनाती है। जैसे आपने कहा कि आपसे झूठ बोला नहीं जाता, वो इसीलिए नहीं बोला जाता क्योंकि गुरु की आड़ी रेखा सत्यवादी, ईमानदार, समर्पित किस्म का व्यक्तित्व देती है। और जब लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होती है तो झूठ फरेबी या काम चलाओ जैसी आदत होती ही नहीं है, जो है मुंह पे है, जो है सटीकता से है। तो यहाँ जुपिटर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो रही है, शुक्र अच्छा है, आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस कंडीशन में कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के पहले धार्मिक क्रियाकलाप या यात्रा करना बहुत जरूरी होता है, वहां से हमारा भाग्य जागृत होता है। एक भाग्य का तात्पर्य ये नहीं होता कि एकाएक कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, भाग्य मतलब कि आप जहां भी प्रयत्न भी कर रहे हैं, जो सोच भी रहे हैं वो भी सफल हो रहा है, वो भी पूरा हो रहा है। तो ये जुपिटर पे जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने शुरू करते हैं, जैसे नॉर्मली आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, तो वो देखेंगे आप कि आपको इनलाइटमेंट भी होने लगेगा, एक तरीके से धैर्य, संपन्नता, शांति, सुख, वो सभी कारण जीवन में होने लगेंगे जिससे आप सुकून में आए, शांति में आए, खुशी में आए। जुपिटर कारक हैप्पीनेस का है, वो हैप्पीनेस आपके लाइफ में बहुत बड़े अमाउंट में आना है, इसलिए ये जुपिटर माउंट डेवलप है और थोड़ा लेट आपको सक्सेस दे रहा है। जब भी माइंड लाइन जुपिटर से कनेक्टेड ऐसे होता है, एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच हाई माइंडसेट देता ही है, छोटी मोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना जानते ही नहीं है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी जिद्दी हैं तो अपनी महत्वाकांक्षा जिद पूरा करके ही दम लेंगे, ये भी परमात्मा ने आपको दिया हुआ है, इसीलिए आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। हमेशा गुरु पर राहु थोड़े समय के लिए भारी पड़े ही हैं, लेकिन हमेशा नहीं पड़े हैं, हमेशा गुरु ने अंततः धीरे, क्योंकि गुरु की चाल बहुत धीरे होती है, तो इसीलिए धीरे धीरे कर वो सारे प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं, पूरा जड़ से ही खत्म कर देते हैं।
इसीलिए आपको उस प्रोसेस पे थोड़ा सा बिलीव करके ध्यान रखना, धैर्य रखना जरूरी है। सैटर्न मून जब भी दबा हुआ होता है तो इस कंडीशन में लेट सक्सेस मिलती है, परंतु इनफ सक्सेस मिलती है, क्योंकि सैटर्न मून जब दबता है तो मटेरियलिज्म बहुत इंक्रीज करता है, पूरा ध्यान मटेरियलिज्म पे व्यक्ति का लेकर के जाता है। तो आपको जैसे जीरो पर लेके गए हैं सैटर्न, जैसे कि जीरो पर जाना यानी हर चीजों की कद्र होने लगना, तो जब मटेरियलिज्म में एकाएक बढ़ना शुरू होगा तो जब आपकी वैल्यूज रहेगी तो आप उन सभी पैसों का, उन सभी रिसोर्सेज का इतना प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे कि वो रिसोर्सेज बढ़ेंगे ही सिर्फ। इसीलिए सैटर्न जब दबा हुआ हो तो एक ब्लेसिंग ये रहती है कि लग्जरीज एंड मटेरियलिज्म बहुत बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे लक लाइन सैटर्न से होते हुए सन पर ट्रांसफर हो रही है, तो ये पोजिशन एंड अथॉरिटी व्यक्ति को ओल्ड एज तक आते आते देती है। और दूसरी जो रेखाएं हैं जैसे मिड लाइन्स, ये देखिए ये जब सैटर्न एंड सन के मिड से एक से रेखा आती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, विद्या, योग्यता दूसरों के बहुत काम आता है। तो आप एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, सर्विस, कोई भी काम शुरू करिए, आपको इतना काम आने लगेगा, इतना पैसा आएगा, इतने लोग जुड़ेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। आपकी काबिलियत का अगर आपको सही उपयोग करना हो तो आप थोड़ा इंडिपेंडेंट वर्क करिएगा अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि सैटर्न एक्सपीरियंस होता है, सन टैलेंट होता है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड टैलेंट पे जब हम वर्क करते हैं, सर्विसेज देते हैं इंडिपेंडेंटली, तो ये लाइन एक्सट्रीम सक्सेस देती है, इसे सक्सेस लाइन कहते हैं। विद्या रेखा तो बाद में इसको कहा जाता है, ये सक्सेस की लाइन होती है कि अपना ज्ञान अपने काम नहीं दूसरों के काम आएगा, वैसे आपका कर्म, आपका भाग्य सब दूसरों के काम आएगा, जिससे जुड़ जाएंगे उसका लाभ पहुंचा देंगे। आप देखिए अपने पास्ट लाइफ को उठा करके, अब जो यहाँ पिछला 7 साल गया है, आप जहां जहां गए, जिन जिन से जुड़े, जिन जिन के काम आ गए, उनको आपने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सक्सेस दिलवाया है। लोग आपके सजेशन, आपके गाइडेंस, आपके थ्रू सक्सेस पाए हैं, ये इस रेखा के बल पे। इसीलिए इस रेखा में जॉब का सजेशन कभी नहीं दिया जाता है। अब सन माउंट के ऊपर आते हैं, तो सन माउंट पे अभी क्या है कि इधर पे एक दूसरे को रेखा काटने वाली बहुत है। तो इस तरह की रेखा जब सन लाइन को काटती है तो हमारे स्किल्स, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट निखर के नहीं आ पाता, या दबा दिया जाता है, या शत्रु ऑटोमेटिकली बनते हैं, जिनका कोई आपसे लेन देन नहीं वो भी आपके काम रोकेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में जो सूर्य है उस पर ग्रहण जैसे योग निर्मित यह करता है। इन सब रेखाओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ये सब रेखाएं बदलती रहती हैं, आती जाती रहती है, ये तो सिर्फ वर्तमान स्थिति को आपके दर्शा रही है। अब इसमें होता यह है कि हमने कोई भी मेहनत किया, कर्म किया और वो कर्म सफलता से सिद्ध हो गया, लेकिन उसका क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी आपको, वो कोई और ले जाएगा। तो इस कंडीशन में अपने ही लोगों से जब धोखा मिलता है, मिसगाइड या मिसयूज होता है, तब क्रॉस का साइन आता है। इसीलिए यह पिता से संबंधों में भी थोड़ा आपको तकलीफ दे रहा है। जो कल आपको रेमेडी करना, वो जो आज रात में भी बताया जाएगा, ये सभी प्रॉब्लम को खत्म करेगा। इस कंडीशन में क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलने लगना, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस या सक्सेस आना, किसी भी काम का प्रॉपर क्रेडिटिबिलिटी के साथ रिवॉर्ड और सक्सेस रेट में अपग्रेडेशन होना, प्रमोशन ग्रोथ जो रुकी हुई है वो हो जाना, अर्निंग कैपेबिलिटी जो कम है वो डेवलप हो जाना, और नेम, फेम, रिस्पेक्ट, जिसके कारण पोजीशन पावर बढ़ सके। क्योंकि अब यहां पर हो ही रहा है कि क्रॉस के साइन तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमने सन पे काम कर लिया तो इधर पे एक तो स्क्वायर का साइन, दूसरा फिश सिंबल, तीसरा बायफोर्क का साइन जो यशस्वी योग बनाता है, ये सब डेवलप हो जाएगा, जो एक्सट्रीम सक्सेसफुल साइंस के अतिरिक्त आता है। एक्सट्रीम मतलब ये अगर साइन आ गए तो आपका कुल में एक अलग ही नाम हो जाएगा, आपकी आने वाली जनरेशन एक अलग ही लेवल पे जा सकेगी, क्योंकि सूर्य राजा बनाता है, शासक, और शासन करवाता है सूर्य। और जब यहां पर हमें स्क्वायर यानी प्रोटेक्शन जैसे साइन आ जाए, बायफोर्क जैसे साइन आ जाए, जो व्यक्ति को रईस, समृद्ध और प्रोटेक्ट, वेल्थ और प्रॉपर्टी को लेकर के करते हैं, तो वो लाइफ टाइम बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता। तो ये जो संघर्ष रहा, इसने एट एंड बेस्ट रिजल्ट देने के लिए आपको ग्राउंड या जीरो लेवल पे लेकर के गया, ताकि जब आप बड़े बने तो आपके अंदर एक हम्बलनेस जो है वो मेंटेन रहे। इसीलिए सन रेमेडी के बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसके बाद में जब भी आउटर मार्स से इस तरह की रेखाएं कनेक्ट होती है, तो ये रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा बेसिकली संघर्ष देती है और वर्क को लेकर के, अपने काम को लेकर के बहुत डेडिकेटेड बनाती है, इसीलिए इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। लेकिन इस रेखा का जैसे नाम अच्छा है, वैसे इसका जो फल है वो थोड़ा सा बुरा आता है।
क्योंकि ये रेखा मेहनत कराती है, नहीं तो संघर्ष कराती है। संघर्ष का तात्पर्य हो गया कि ना चाहते हुए भी सभी चीजों में फंसना, और मेहनत का तात्पर्य हो गया कि इतना कर्म करना, मेहनत करना कि अपने लिए या सुकून शांति एंजॉयमेंट के लिए समय ना मिले। क्यों ये रेखा होती है बहुत कम लोगों के हाथ में, क्योंकि जिनका भी बहुत सारे जन्मों का लेन देन बचा है, वो जब आखिरी जन्म में कंप्लीट होने को आता है तो इस तरीके का कनेक्शन आता है जिसमें मार्स और सन सेनापति बनाते हैं, युद्ध का कारक होता है ये। इसलिए संघर्ष या मेहनत तो करनी होती है, लेकिन इसमें फैसिलिटी ये रहती है कि अगर आप खुद से ही मेहनत कर लें, खुद से ही अगर संघर्ष कर लें तो ये राजा बनाएगी आपको। थोड़ा सा देरी से सही, लेकिन बनाएगी जरूर राजा। कि सेनापति जैसे लोग आपके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, और अगर आपने मेहनत छोड़ दिया, संघर्ष छोड़ दिया, तो लाइफ टाइम ये फिर आपको इस तरीके योग देती रहेगी। लेकिन आपके हथेली में 100% अच्छे योग निर्मित हैं, 100% ये लाइन सपोर्ट ही करने आई है, इसलिए सबसे लेन देन को ये क्लियर करेगी आपको। जब सबसे लेन देन क्लियर होगा तो फिर उसके प्रारब्ध जब खत्म होगा और जो संचित कर्म अभी तक आपका रहा है उस पर एक्सट्रीम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलने वाला है। इसीलिए राहु की भी लक लाइन आपके पाम में अवेलेबल है। मरकरी माउंट पे जब मल्टीपल लाइंस होती है, पहली बात ये अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है। इस कंडीशन में हीलिंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग होती है, लोग आपसे सीखते हैं, आपको तवज्जो देते हैं, अपने दुख दर्द लेकर आपके पास आते हैं, आप उनको सपोर्ट अच्छा कर पाते हैं। ये कॉम्बिनेशन बिजनेस, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, इसके अलावा आईटी सेक्टर, वेबसाइट्स एंड इंटरनेट से रिलेटेड वर्क के लिए एक्सट्रीम बेनिफिशियल होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज इन सारी चीजों में आप करिए, बहुत पैसा आपको आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है, तो बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग इनफ नॉलेज यहाँ देखने को मिलता है। तीसरा, ये कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को जवान रखता है। जो हॉर्मोन्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव या स्टेबल, यानी पॉजिटिवली स्टेबल होते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मल्टीपल इंटरेस्ट भी देता है। ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, इसके द्वारा आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपूज क्या करती, फ्रेंडली टाइप का नेचर, डिवोटेड डेडिकेटेड टाइप का नेचर, और अपने माता पिता को भरपूर सुख देने के योगों को भी निर्मित करता है। सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति देता है। दो यूनियन लाइन दो बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशन बिल्ड कराती है। सेकंड वन लाइन थोड़ी डिक्लाइन है, तो इस कंडीशन में पार्टनर के द्वारा जो लव है वो आपको अच्छा भी प्राप्त होगा, जो जुपिटर पे भी हमने देखा, और उनकी थोड़ी आप सुन करके चलने वालों में से रहेंगे। इसके बाद में आपके हार्ट लाइन में इस जगह पे हल्का सा एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। बेसिकली ये आइलैंड और ट्रायंगल के बीच का पोर्शन है, इसलिए इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट होने नहीं वाला है। इधर से जो रेखाएं नीचे आ रही हैं ये सब इमोशनल सेटबैक की लाइन्स है, इसलिए अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस रखने से बचें। और यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट 42 के एज में एक छोटा आइलैंड है, तो इस कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर एंड हेल्थ को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, इसको इग्नोर ना करें। और यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो सीधे जुपिटर से जुड़ी है, एक सपोर्टिव हार्ट लाइन जुपिटर के अपर पोर्शन में है और एक हल्की सी रेखा मार्स की तरफ झुकी हुई है। ये कॉम्बिनेशन मतलब ही बना ही नहीं सकता। ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा डिवोटेड, इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, दूसरों को सेंस कर लेना, एक हाईली सपोर्टिव टाइप का नेचर होना, दूसरों का बर्डन भी अपने ऊपर ले लेना, इस टाइप का ये नेचर देता है। इससे दूसरों को बहुत लाभ मिलेगा, आपको कम मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन में पहले खुद का उद्धार करिए, फिर सबका उद्धार करने आप जाएंगे तो ये अच्छा रिस्पॉन्ड आपको कर सकेगा। बाकी दिल के आप साफ हैं और हमेशा दूसरों का अच्छा भला और दूसरों की खुशी में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। मस्तिष्क रेखा प्योरली इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से, इसलिए बचपन से ही अपने अनुसार कर्म करना, अपने अनुसार जीवन जीने की आदत रखी है आपने। 21 की एज में प्रोग्रेस हुआ था, मेंटल सेटिस्फेक्शन आया था। 27 एंड 24 में भी मेंटल सेटिस्फेक्शन आया था। अब डायरेक्टली आपको 34-35 के बाद से आना शुरू हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पर राहु रेखाओं ने जो आइलैंड जैसे साइन डेवलप किए, जो ट्रायंगल के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये संघर्ष को दर्शा रहा है। ये सब कुछ आपको 26 से 32 33 के बीच तक का है। ऐसे कोई भी आइलैंड ट्रायंगल नेगेटिवली कॉम्बिनेशन नहीं है। अब ट्रायंगल बन रहा है तो ऊपर की तरफ ही बन रहा है। जो प्रॉपर्टी, प्रोस्पेरिटी, प्लॉट्स, इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट्स और सन के नीचे होने के कारण करियर में एक्सट्रीम ग्रोथ है या सिक्योरिटी देता है। और आगे चल के आप बिजनेस करने वाले हैं 100 नहीं 200%, क्योंकि माइंड लाइन पे ऐसा ट्रायंगल बिजनेस माइंडेड,
अपॉर्चुनिटी अच्छे से ग्रैब करने की योग्यता, ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की योग्यता और बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा मल्टी मिलियनर बनने की योग्यता देता है। इसीलिए आपका प्रश्न था कि मल्टी मिलियनर बनेंगे कि नहीं, तो ये प्रश्न ही उन लोगों को आता है जो सच में बन सकते हैं। तो ये जो बन सकते हैं या इस तरीके का प्रश्न आया, ये जिस बल पे आया वो ये कारण है, क्योंकि जब भी मरकरी की तरफ लाइन जाती है और माइंड लाइन से कोई लाइन डेवलप हो जाए, एक छोटा व्यापार शुरू कर दीजिए, वो व्यापार को आप न जाने कहां तक ले जाएंगे आपको खुद को नहीं पता। ये इतना पॉजिटिव साइन है। जितने भी आज के टाइम में आप एक्सट्रीम सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर को देखेंगे, उनके पाम में मनी ट्रायंगल या माइंड लाइन पे ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा आपको, और ये कॉम्बिनेशन आपको 100% ये डाटा एनालिसिस या कोडिंग, इंटरनेट, इन सबसे रिलेटेड वर्क में सक्सेसफुल बना सकता है। बस अपने एफर्ट्स को थोड़ा शिफ्ट करना है, क्वालिटी स्कोर डेवलप करना है, स्किल्स स्पेशलाइजेशन को डेवलप करना, और थोड़ा इंडिपेंडेंट सर्विस भी देना है किसी भी विषय को लेकर। उस पर चॉइस आपकी पर्सनल है, वो कोई भी आप काम कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको इनफ गेन्स देगा, इनफ से कहीं गुना ज्यादा देगा। आपकी माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के इंसान है, आपके अंदर ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी है। अभी बीच बीच में इतने स्ट्रगल स्ट्रेसेस इन राहु रेखा ने दिया, लेकिन कभी भी आपने गलत निर्णय नहीं लिया, घबराए नहीं। कारण यही है कि माइंड लाइन जब आउटर मार्स से कनेक्टेड हो तो बुद्धि मजबूत देती है, और जब थंब स्ट्रांग हो तो जुनून, हौसला, आगे बढ़ने की नीयत इतनी मजबूत होती है कि किसी भी प्रकार की विपत्ति कष्ट से घबराते नहीं है। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक जो राहु की रेखा है वो मंगल से कनेक्ट हो गई, और दूसरी एक मंगल की सपोर्टिव लाइन है ही। ये कॉम्बिनेशन ब्लड रिलेशंस के द्वारा भी डिस्टर्बेंस, कोर्ट कचरी का मामला और अननेसेसरीली एक्सपेंसेस जैसी चीजें देती है। ये सब नेगेटिव इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, जस्ट आप सन रेमेडी और कल की रेमेडी प्रेफर करिए, ये बाधक रेमेडी भी उसी में आपको शेयर किया जाएगा। इसके बाद में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही प्रॉपर्टी को लेकर के, ना ही लग्जरीज को लेकर के, ना ही ब्लड रिलेशन या ब्लड से रिलेटेड, ना कोर्ट कचहरी से रिलेटेड। इसके बाद में यहाँ लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो शुरुआती तौर पे जब छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, बचपन में हेल्थ इश्यूज से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन जब सेल्फ मेड लक लाइन डेवलप होने लगे तो अपना भाग्य अपने दम से बनाना शुरू करते हैं। इस संघर्ष के समय पे जिसमें लाइफ लाइन पर अच्छे साइंस हैं लेकिन माइंड और लक लाइन डिस्टर्ब है, उस समय भी आपने प्रोग्रेस छोटे छोटे एफर्ट्स के द्वारा किया ही है। ये समय सब 26 से लेकर के आपका 32 के 20 तक का है। फिर अभी एकाएक ज्यादा तकलीफें आ रही हैं, लेकिन अब जो है आपकी सपोर्टिंग लाइंस तो बहुत अच्छी एक्टिव हो रही है। डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपका मैरिज है और मैरिज बहुत अच्छा आपका रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ हो रही है। लाइफ लाइन बाहर की तरफ जो शिफ्ट हो रही है, ये फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन ट्रेवलिंग या सेटलमेंट आपको दे सकती है। थोड़ी सी अगर और लाइन यहाँ से निकल के जैसे दिख ही रहा है, लेकिन और मजबूती से अगर ये मून माउंट से कनेक्ट हो गई तो विद इन कपल ऑफ ईयर्स आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा, और आपका जन्म स्थान से दूर तरक्की है, क्योंकि जब शुक्र से केतु से ऐसी रेखा निकल के ऊपर की तरफ जाती है, चंद्र पर रुकती है, तो ये कॉम्बिनेशन सारा लक फॉरेन में देता है। अच्छा, इसलिए फॉरेन सेटलमेंट या लक आपका बहुत शानदार है, और स्क्वायर जैसे साइंस यहाँ पर बनना फॉरेन सेटलमेंट को ही कन्फर्म करता है। इसके बाद में मल्टीपल सपोर्टिव लाइन अपने या दूसरों का सपोर्ट देते रहेगी, जो आपको अभी भी दिख रहा है, आगे भी अच्छा देखने को मिलेगा। शुक्र की वरीज लाइन खत्म हो जाएगी, जिससे मैरिड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस रेखा में इस बात का ध्यान रखिए कि अभी पेशेंस का इसलिए कहा गया क्योंकि मंगल से जब इन रेखाओं का कनेक्शन होता है तो हड़बड़ी, जल्दबाजी में किए गए काम, लिए गए निर्णय, कहे गए बात से नुकसान होता है। तो बेचैनी तो दिखानी नहीं है, हड़बड़ी दिखानी नहीं है, बिल्कुल जुपिटर को लेकर के आइए, एकदम धैर्य, शांति, सुख, एकदम कुछ ना होते हुए भी हंसना, एक लाफिंग बुद्धा भी आप कल लेकर के आइएगा घर में, अपने डेस्क पे अपने साथ में डेफिनेटली रखिएगा। जुपिटेरियन क्वालिटी को हमें बढ़ाना है। केतु की स्थिति सामान्य है और चंद्र के ऊपर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा होना या क्रॉस का साइन होना मदर से रिलेटेड स्ट्रेस देता है। ये सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा बाधा, जो बाधक रेखा है उसका उपाय करने के बाद में। और एक्सट्रीम वेल्थ और सक्सेस के साइंस बिल्कुल सन एंड मरकरी माउंट के बीच में अटके हुए, तो यहाँ से हमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा। जो आपको सजेशन दिया गया उसके रिगार्डिंग वर्क करिएगा। ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी या मल्टी स्टेट प्रॉपर्टी आपकी देखने को मिलेगी 37-8 तक आते आते तक। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो इधर पर भी सेम इसी पीरियड में आपकी बाधक रेखा मौजूद है और सन माउंट के ऊपर में क्रॉस का साइन है, जो हमेशा डर भय चिंता देता है जॉब को लेकर के। तो आप जैसे जहाँ तक जॉब के लिए बने नहीं है, हाई प्रोफाइल वर्क के लिए नहीं तो इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बने हैं।
इसीलिए यहाँ पर आपके हल्का सा काइट का सिंबल अवेलेबल होता दिखाई दे रहा है इस तरह से। मरकरी माउंट अच्छा है, अगेन यहाँ की वेरिज लाइन थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो इसलिए आप अपने साथ जब रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो थोड़ी चिंताएं बेचैनी ज्यादा हो जाती है, इसलिए काम में एंगेजमेंट आपका ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, तब उतना स्ट्रेस नहीं रहता। बाधक रेखा के उपाय के बाद में ये सभी स्थितियां ठीक हो जाएगी आपकी, और लक लाइन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो रही है दोनों हथेली में। मून से जो रेखा आ रही है वो भी, और माइंड लाइन से या राहु रेखा से जो कनेक्टेड है वो भी, इसलिए सडन गेन प्रोग्रेस आपका 2 साल के अतिरिक्त डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछे। प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, सक्सेस, ये सब कुछ, अभी भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये सब आपको तकरीबन 2025 और बाधक रेमेडी के बाद में शायद 2024 से मिलना शुरू हो जाए। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।